नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, देखिए CUET पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का सिलेबस बहुत सारे प्रोग्राम का अपडेट हो चुका है। यहाँ पर हम बात करेंगे BEd प्रोग्राम को, जो भी यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा CUET NTA.NIC.IN। ओके, तो यहाँ पर जो कि आपका इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको जाना है। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको जो है सिलेबस यहाँ पर आपको होगा, तो सिलेबस में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोग्राम का यहाँ पर आपका अपडेट हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पर आपका प्रोग्राम का पेपर कोड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो PG KP 36 यहाँ पर योगा का होगा। तो आप जो भी प्रोग्राम में अप्लाई किए हो यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो। तो BEd का जो कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम का कोड होगा, जो कि पेपर का कोड है PG KP 01। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो BEd का जो कि यहाँ पर आपका होगा PG KP 01 BEd है, और शिक्षा शास्त्री BEd का यहाँ पर आप PG KP 09 है। तो इन दोनों का यहाँ पर आप PDF डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जो कि BEd का है। ये सिलेबस पर BEd PG KP 01 यहाँ पर आपका जो कि क्वेश्चन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा। नेक्स्ट आपका GK रिलेटेड टू स्कूल और एजुकेशन और बुक्स फिल्म्स इंस्टीट्यूशन और अवार्ड से रिलेटेड होगा GK जो कि रहेगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ जो कि साइंस एंड एनवायरमेंट है, सोशल साइंस है, और नेक्स्ट जो कि रहेगा आर्ट्स म्यूजिक योगा थिएटर एंड स्पोर्ट्स। तो ये सारे जो कि यहाँ पर आपका टॉपिक रहने वाला है सिलेबस आपका एंट्रेंस का सिलेबस। ओके, तो ये आपका जो कि पेपर कोड रहेगा PG KP 01 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपका PG KP 09 में जो कि शिक्षा शास्त्री BEd का है। ओके, तो यहाँ पर अलग सा थोड़ा सा है। तो जैसे कि देख सकते हो पार्ट ए में इसका रहने वाला है जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी, पार्ट बी में यहाँ पर रहेगा प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज, पार्ट बी में सेक्शन 1 यहाँ पर है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर है, और सेक्शन 3 में जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का यह क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था अपडेट जो कि सिलेबस से रिलेटेड था। आप सभी प्रोग्राम का यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जो भी यहाँ पर आप अप्लाई किए हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।